जाम है, जल जमाव बना हुआ है, बदबू यहाँ पर काफी आना शुरू हो गया है। राम जानकी का प्रॉपर्टी है, वहाँ पे सब बोलने के लिए तैयार है, राम जानकी का पुल बना हुआ है। लल्लू बाबू मालिक है, वो घेर दिए हैं, बांध काटते हैं नहीं। अच्छा। कितना भी आदमी जोर लगा के रह गया लेकिन नहीं काटे। 3 दिन हम लोग के चूल्हा बंद रह गया। वो बड़ा आदमी है, उनके सामने कोई बोलना नहीं चाहता। घर में भी भर जाओ पानी था, हम लोग 3 दिन खाना नहीं खाए, पानी नहीं पिए, लेकिन कोई पूछने वाला देखने वाला नहीं मिला। और है यहाँ के बबलू बाबू, उनको बबलू बाबू बोल के लोग चिंता है, प्रशांत किशोर बहुत कम चिंता है आदमी। उनके वहाँ पे एक तो मतलब वो पोखरी खनवाया हुआ है, जहाँ पे एक तो पुल, बड़ा सा पुल बना हुआ है जो इधर का पानी उधर ही निकलता है, वो उसको घेर के रखे हैं। वो बाढ़ के आवर में जो भी यहाँ पे बड़े बड़े पदाधिकारी जो भी आते सब आया था वहाँ पे वो पुल को खोलने के लिए, बट उन्होंने डायरेक्ट आके बोल दिया ये मेरा निजी जमीन में है। तो निजी जमीन में तो आप बिहार सरकार का पुल कैसे बनने दीजिएगा वहाँ पे? निजी नहीं है राम जानकी, और वो राम जानकी की जमीन में, लेकिन वो डायरेक्ट कहते हैं। बेलसन प्रखंड के पताही पंचायत गौस नगर वार्ड नंबर जो है 14 की तस्वीर है। तक जो है बाढ़ का पानी सड़कों पर अब तक जमा है, यहाँ के लोगों का जनजीवन अभी भी अस्त व्यस्त है। यह सड़क है जो बेलसन और पमरा मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली सड़क है, उसका लिंक रोड है ये। पीछे जो है आबादी भी है और अभी भी लोगों का जनजीवन जो है यहाँ सामान्य नहीं हुआ है। सामान्य न होने का और पानी के निकास न होने की वजह है बुनियादी स्कूल, भंडारी पंचायत के बुनियादी स्कूल के समीप एक पुलिया है, जिसमें पुलिया को जो है पूर्ण रूप से बंद कर दिया हुआ है, पानी का निकास उस पुलिया से नहीं हो रहा है, जिसके वजह से अभी भी इन सब जगहों पे जो है पानी जमा होता है, जमा हुआ है। पताही पंचायत की तस्वीर है, सीमावर्ती क्षेत्र है यह पताही पंचायत, और इसके जस्ट बगल में जो है भंडारी पंचायत, फिलहाल पताही पंचायत में है। यहाँ लोगों से बात करते हैं कि पानी निकलने का रास्ता ही लोग बंद कर दिए हुए हैं, वो जमींदार लोग, अब वो पोखरी खनवाए, अब पुल के गेट को जाम कर, अब पानी खोल नहीं नहीं देते हैं, कितना लोग भी कहता है लेकिन वो बात नहीं मानते हैं। गौस नगर वार्ड नंबर 14 की तस्वीर है, जहाँ अब तक जो है सड़कों पे जो है पानी भरा हुआ है, और यहीं के स्थानीय बबलू बाबू हैं जिनकी पोखरी जो है भंडारी पंचायत में है। भंडारी पंचायत के अंतर्गत पोखरी है, और पोखरी जहाँ है वहाँ पुलिया भी है, और पुलिया को जो है पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। पूर्ण रूप से बंद कर देने के कारण जो है अब तक जो है जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। गौस नगर वार्ड नंबर 14 की तस्वीर है, नासी टोला हो वार्ड नंबर 9 हो, इससे जो है इस जल जमाव से प्रभावित है। हालांकि उस पुलिया के निकासी को लेकर स्थानीय प्रशासन भी पहल कर चुकी है, लेकिन अब तक पानी का निकास नहीं हो सका है। अब तक जो है पानी के निकास न होने की वजह से स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई है, और लोगों का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त। तो आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, एक घर है गौस नगर पताही पंचायत के वार्ड नंबर 14 गौस नगर की तस्वीर है, और अभी भी पानी है। जी अनिल राम, कहाँ खड़े हैं भैया? अभी गड्ढा में खड़ा है, दोहरी पर जी। ये अनिल राम जी का जो है दोहरी दरवाजा कहिए, दरवाजा पे खड़े हैं, और दरवाजा पे जो है ठेहुना से ऊपर पानी, जान भर कहिए, जान भर पानी सर, जान भर पानी है जी। देखिए कि क्या हाल हम लोग का है, इसको कोई निर्णय नहीं है। कितने दिन से है ये हाल? ये हाल लगभग 10 रोज से ऊपर से, 10 रोज के ऊपर से है, और बबलू मालिक खोलते हैं नहीं। ये कितनों कह के जोर लगा के रह गए आदमी, लेकिन बात को सुने नहीं। बबलू मालिक को आप नहीं बोले? अपने गांव का ऐसा नौजवान आदमी है जो सवारी लोग है, वो बहुत बोले लेकिन कितनों कहे सुने नहीं। वहाँ माची में जहाँ खोलने वाला है वहाँ तो बहुत डर दहा गया, लेकिन हम लोग का बात सुनते नहीं है, हम लोग तो इसी तरह है। कहाँ है अभी आप? वार्ड नंबर 14 पताही पंचायत बेलसन गौस नगर है। हमारे साथ यहाँ के वार्ड सदस्य भी हैं, और वार्ड सदस्य भी देख रहे हैं कि पानी में खड़े हैं, साथ में हम भी खड़े हैं। वैसे अगर जहाँ खड़े हैं यह कोई खेत खलिहान नहीं है, यह जो है बेलसन और पमरा जाने वाली सड़क को लिंक रोड करने वाला जो है यह सड़क है, जिसमें इधर जो है आबादी भी बसी हुई है, लगभग 100 घरों का आबादी है, और
पानी सड़कों पे जो है, लिंक रोड पर पानी है और वार्ड सदस्य भी है जी, काफी पानी यहाँ से निकासी का मामला कुछ आ रहा है कि निकासी होने के न होने की वजह है कि आगे भंडारी में पुलिया को जाम कर दिया गया जी। पुस्तकालय के बाजू में कुछ लोग जो है उस रास्ता को पहले जाम करके रखे हुए हैं, इसके बाद बेसिन स्कूल से दक्षिण के हिस्सा पोखर है, उस कारण जो है कि हम लोग का पूरे पोस्ट जो है पताही पंचायत का हिस्सा है, क्योंकि एक पुरानी धार सौ बरस पहले कभी बागमती का धार हुआ करता था, कि जल जमाव के कारण जो है कि पूरा बदबू देना शुरू हो गया। इस पर प्रशासन अगर ध्यान न दे तो गौसनगर के काफ़ी लोगों को हैजा और बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। हम लोग जब यहाँ निकलते हैं तो अभी भी यहाँ बदबू दे रहा है, यहाँ से तकरीबन यहाँ से एक किलोमीटर दक्षिण टोला ओझा जी का मोहल्ला तक पूरे जल जमाव बना हुआ है और बदबू देता है, मच्छर भी रात को काफ़ी परेशान करता है, यहाँ का लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो गया बदबू के कारण। बहुत लोग हम लोग क्या कह इस मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन स्थानीय प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इस पर अपना विचार देखे और अपने जो कानूनी प्रक्रिया से अपना रूट को पुल को खाली कराए ताकि यहाँ का पानी का निकास हो सके और कोई दवा दारू का ऐसा कोई व्यवस्था हो छिड़काव जो है करा सके, नहीं तो आने वाले समय में यहाँ काफ़ी बच्चे और यहाँ के इंसान जो है बीमार पड़ेंगे। तो जल जमाव से होने वाली बीमारियों का डर सताने लगा है और यहाँ जल जमाव के बाद अब पानी से बदबू आने लगा है, जैसा कि वार्ड सदस्य बता भी रहे हैं कि लगातार ये भी घूम रहे हैं कीचड़ पानी में ही खड़े हैं। तो तस्वीर जो है पताही पंचायत गौसनगर वार्ड नंबर 14 की है और पानी का रंग भी जो है बदल चुका है, लेकिन रंग अब तक नहीं बदला तो यहाँ के स्थानीय प्रशासन का, यहाँ के जनप्रतिनिधि का और पानी को अवरुद्ध करने की वजह से स्थिति जो है सामान्य नहीं है और यहाँ के लोगों का जनजीवन सामान्य नहीं है। वैसे इस खबर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर सबको।